हाय गाइज, आई एम राकेश, यू वॉचिंग नर्सिंग ट्रेंड्स। गाइज, 1000 स्पेशल नर्सिंग क्वेश्चन का वीडियो नंबर 27 लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चन आपके स्टाफ नर्स एग्जाम जैसे ऑल एम्स, जिपमर, पीजीआई, हिमाचल प्रदेश एससी, केरल पीएससी, यूपी एनएचएम, सीएचओ बिहार आदि में बहुत ही यूजफुल साबित होने लें। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रुप्शन प्लेसेंटा आर एग्जाम्पल ऑफ। तो प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रुप्शन प्लेसेंटा है, ये एपीएच के एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। एपीएच क्या होता है, कॉमन कॉज क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। तो एंटीपार्टम हेमरेज मींस एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी प्रेगनेंसी के 28वें वीक से लेकर बच्चे के जन्म तक अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो तो उसी को एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। 70% चांस ऑफ एपीएच आर ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रुप्शन प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड। प्लेसेंटा प्रीविया के साइन सिम्टम में क्या इंक्लूड है, शार्प एब्डोमिनल पेन नहीं होता है, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, इंक्रीज लो बैक पेन नहीं होता है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अब देख लेते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। ए प्लेसेंटा डेट इज इम्प्लांटेड इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा यूट्रस का जो लो यूटेराइन सेगमेंट है उसमें इम्प्लांट होता है तो इसी को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं नॉर्मल प्लेसेंटा अपर यूटेराइन सेगमेंट में यहाँ पे इम्प्लांटेड है और ये लो इम्प्लांटेशन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लो यूटेराइन सेगमेंट है उसमें प्लेसेंटा इम्प्लांट है तो इसी को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उससे पहले अपने देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कोज क्या होते हैं। डायग्नोस्टिक टेक्निक चॉइस ऑफ कौन सी होती है। इट इज़ करेक्टराइज बाई पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, लो बीपी, यूट्रस फील रिलैक्स्ड, सॉफ्ट इलास्टिक फ्लोटिंग हेड ऑफ फिटस, फीचर ऑफ एनीमिया। कोजेज आर मल्टीपेरिटी, मेटरनल एज ओवर 35 ईयर्स, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, स्मोकिंग एंड प्रायर अबॉर्शन। चॉइस ऑफ डायग्नोस्टिक टेक्निक इज सोनोग्राफी यूएसजी, ये याद रख लेना है। अब देख लेते हैं सेकंड के बाद में थर्ड क्वेश्चन, मैनेजमेंट ड्यूरिंग माइनर और पार्शियल प्लेसेंटा इंक्लूड्स। अगर माइनर या फिर पार्शियल प्लेसेंटा है तो इसका मैनेजमेंट क्या किया जाएगा, कंप्लीट बेड रेस्ट वो किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्यों किया जाएगा कंप्लीट बेड रेस्ट। द क्लाइंट विद माइनर प्लेसेंटा प्रीविया इज मेंटेन ऑन एब्सोल्यूट बेड रेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी अंटिल 36 वीक। प्रेगनेंसी को 36 वीक्स तक बनाए रखने के लिए माइनर या पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया में अब्सोल्यूट बेड रेस्ट रखा जाएगा क्लोज सुपरविजन के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर, मल्टी ग्रेविडा 32 ईयर ओल्ड लेडी एडमिटेड 8th वीक विद ब्लीडिंग पर वेजाइना, विच इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। मल्टी ग्रेविडा है, 32 साल की है, प्रेगनेंसी की 10वें वीक में आई है, एडमिट हुई है और अब ब्लीडिंग पर वेजाइना है तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। प्रोवाइड पेरिनियल पेड है, ये फर्स्ट नर्सिंग एक्शन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा, सिजेरियन सेक्शन 10th वीक पे कर ही नहीं सकते हैं, फीटल हार्ट रेट और मेटरनल ब्लड प्रेशर चेक करने की भी जरूरत नहीं है 10th वीक पर। तो जो वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है उसकी अमाउंट को देखने के लिए, अमाउंट को मापने के लिए प्रोवाइड पेरिनियल पेड्स है, वो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अवॉइड पर वेजाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज इट मे इंक्रीज फर्दर ब्लीडिंग, या फादर नहीं है फर्दर है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है उसको अवॉइड किया जाएगा क्योंकि इससे क्या है फर्दर ब्लीडिंग है वो इंक्रीज होगी।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ जाता है 5, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, व्हेन द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओस पार्शियली बट डज नॉट क्लोज एंटायरली, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, यानी प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप पूछा है, जिसमें जो प्लेसेंटा है ये इंटरनल ओस को पार्शियली कवर कर लेता है, इंटरनल ओस पार्शियली कवर्स बट डज नॉट क्लोज इंटायरली, लेकिन पूरी की पूरी इंटरनल ओस को क्लोज नहीं करता है, तो ये किस टाइप का है, तो ये होता है टाइप 3, या जिसको कहते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियली सेंटर कहा जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। अब टाइप 1, 2, 3, 4 क्या होता है, पूरी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, टाइप 1 होता है जिसको लो लाइंग भी कहा जाता है, ये इस तरह से होता है, ये जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है उसमें प्लेसेंटा है वो इम्प्लांटेड होता है, इंटरनल ओस तक पहुंचता ही नहीं है, तो इसको लो लाइंग है वो कहा जाता है। ये टाइप 2 होता है जिसको मार्जिनल भी कहा जाता है, प्लेसेंटा है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में ही यहाँ पर इम्प्लांट होता है, लेकिन ये जो इंटरनल ओस है ये इंटरनल ओस तक वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन इसको पार्शियली या कंप्लीटली कवर कुछ भी नहीं करता है। सेकेंड होता है जो जिसको अपने कह रहे थे इनकम्प्लीट सेंट्रल, तो ये आ जाता है पार्शियल या फिर यहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाता है, तो इसमें जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है और जो इंटरनल ओस है उसको पार्शियली ढक देता है, पार्शियली कवर कर देता है, पूरा नहीं करता है। और फोर्थ होता है वो कम्प्लीट होता है जिसमें जो प्लेसेंटा है वो लो यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है और इंटरनल ओस को पूरा का पूरा कम्प्लीटली है वो कवर कर देता है, क्लोज कर देता है, ये कम्प्लीट होता है, टाइप 4 हो जाता है। इस तरह से टाइप 1 लो लाइंग, टाइप 2 मार्जिनल हो जाता है, और टाइप 3 है वो पार्शियली हो जाता है, टाइप 4 सेंट्रल या फिर क्लोज हो जाता है। ये जो क्वेश्चन 6 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया इज, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया है वो कौन सा है, टाइप 1 लेटरल, टाइप 2 एंटीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर या फिर टाइप 3 सेंट्रल। तो जो डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो होता है टाइप 2 पोस्टीरियर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है, तो टाइप 2 पोस्टीरियर ये यहाँ पे राइट हो जाता है। टाइप 2 पोस्टीरियर ही डेंजरस क्यों होता है, कारण क्या है, कारण देख लेते हैं। टाइप 2 पोस्टीरियर इज ए डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया बिकॉज इट डिमिनिश्ड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विस, सो कोड कंप्रेस एंड फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग लेबर, ये कारण होता है 2 पोस्टीरियर के डेंजर होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7, इफ वेजाइनल एग्जामिनेशन इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए क्लाइंट विद पॉसिबल प्लेसेंटा प्रीविया द नर्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एन इमीडिएट, अगर प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट है और उसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, किया जाता है, तो नर्स को इमीडिएटली किसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, फोर्सेप्स डिलीवरी के लिए, इंडक्शन ऑफ लेबर, सिजेरियन डिलीवरी, एक्सरे एग्जामिनेशन, तो सिजेरियन डिलीवरी के लिए, सिजेरियन सेक्शन के लिए इमीडिएटली प्रिपेयर रहना चाहिए जो प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट्स है और उसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8, और इसमें है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूटेराइन वॉल बिफोर डिलीवरी इज कॉल्ड, अगर डिलीवरी से पहले जो प्लेसेंटा है उसका प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं कहा जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस नहीं कहा, एब्रुप्सियो प्लेसेंटा कहा जाएगा, ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा है वो यूटेराइन वॉल से प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाएगा, ये होता है एब्रुप्शन प्लेसेंटा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल जो प्लेसेंटा है वो इस तरह से यहाँ पे इम्प्लांटेड होता है और डिलीवरी से पहले है वो सेपरेट नहीं होता है, और यहाँ पे ये एब्रुप्शन प्लेसेंटा का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, डिलीवरी से पहले ही प्लेसेंटा है वो यहाँ पे सेपरेट हो गया है, इस तरह से डायग्राम के द्वारा भी आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें दे देते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज एब्डोमिनल पेन फॉलोइंग ब्लीडिंग, डार्क कलर ब्लीडिंग होती है, यानी इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, डार्क कलर की वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती है। जबकि जो ऊपर प्लेसेंटा प्रीविया की बात कर रहे थे उसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है और ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसके टाइप है वो दो होते हैं, जो यहाँ पे अब्रप्शन प्लेसेंटा की अपने बात कर रहे हैं, ये दो टाइप का होता है, एक होता है रिवील्ड और दूसरा होता है कंसील्ड। तो यहाँ पे ये रिवील्ड दिया गया है और दूसरा जो कंसील्ड है। रिवील्ड का मतलब है कि जो यहाँ पे प्लेसेंटा सेपरेट हो चुका है, प्लेसेंटा अब्रप्शन हो चुका है, उसकी जो ब्लीडिंग है वो यहाँ से नीचे आ जाती है और इंटरनल ओस के द्वारा वेजाइना से बाहर निकल जाती है, इसको यहाँ पे रिवील्ड कहा जाता है। और कंसील्ड का मतलब होता है कि जो प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, एब्रप्शन हो गया है, उसकी जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं जाती है और यहीं पे वह ब्लीडिंग है वो इकट्ठी हो जाती है, तो कंसील्ड हो जाती है, कंसील्ड हेमरेज ये बन जाता है, इसलिए इसका ये टाइप हो जाता है कंसील्ड। तो एब्रप्शन प्लेसेंटा के दो टाइप हो गए, रिवील्ड एंड कंसील्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है और इसमें यहाँ पर पूछा गया है कोवलेट यूट्रस इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएट विद। कोवलेट यूट्रस है, कोवलेट यूट्रस ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, किससे संबंधित है? पोस्टपार्टम प्लेसेंटा से नहीं है, रिवील्ड अब्रप्शन प्लेसेंटा से नहीं है, कंसील्ड अब्रप्शन प्लेसेंटा से ये संबंधित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्या होता है कोवलेट यूट्रस ये देख लेते हैं। तो कोवलेट यूट्रस इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शन इन विच ब्लड फ्लोज इन टू द मायोमेट्रियम, यानी जो ब्लड है कंसील्ड, जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसमें ब्लड है वो बाहर नहीं निकलता है, तो वो मायोमेट्री में चला जाता है, इसी को कोवलेयर यूट्रस कहा जाता है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन यूट्रस इज इनलार्ज एंड टेंस, यूट्रस है वो इनलार्ज और टेंस फील होता है कोवलेयर यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 और इसमें पूछा गया द टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच द चांस द टाइप ऑफ अबॉर्शन इन विच द चेंजेज हैव रीच्ड ए स्टेट वेयर कंटिन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल, यानी यहाँ पे अबॉर्शन का ये क्वेश्चन आ गया है। टाइप ऑफ अबॉर्शन, किस टाइप का अबॉर्शन है वो पूछा गया है, कि किस टाइप का जो अबॉर्शन है उसमें जो कंडीशन है वो इस स्टेट में पहुँच चुकी है कि अब प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस रखना है वो इम्पॉसिबल हो गया है, तो ये किस टाइप का अबॉर्शन है? थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या फिर सेप्टिक अबॉर्शन, तो ये कहलाता है इनएविटेबल अबॉर्शन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अब देख लेते हैं अबॉर्शन क्या होता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अबॉर्शन क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फिटस रीचेज ए वायबल एज, फिटस है वो वायबल एज पर पहुंचने से पहले पहले स्पॉन्टेनियसली या फिर प्रेगनेंसी का अपने टर्मिनेशन कर देते हैं, तो इसी को अबॉर्शन कहते हैं, जो स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है और इंड्यूस भी हो सकता है। वायबल एज क्या मानते हैं, बिफोर 22 वीक अकॉर्डिंग टू WHO, 22 वीक मानता है, 22 वीक से पहले पहले, या फिर फिटस वेट लेस देन 500 ग्राम्स, या फिर फिटस का वेट है वो 500 ग्राम से कम कम हो, तो अगर प्रेगनेंसी है वो स्पॉन्टेनियसली या इंड्यूज करके उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो उसको अबॉर्शन है वो कहा जाता है। ये चीज़ हो गई है अबॉर्शन के बारे में। अब देख लेते हैं द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ पॉसिबल लॉस ऑफ फिटस बट स्टिल चांस ऑफ रिकवरी और कंटिन्यूस प्रेगनेंसी कॉल्ड थ्रेटेंड अबॉर्शन, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे बताया गया है द अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ पॉसिबल लॉस ऑफ फिटस, यानी फिटस लॉस होने के जो पॉसिबल साइन सिम्टम है वो दिखाई दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टिल चांस टू रिकवरी और कंटिन्यूस प्रेगनेंसी, लेकिन अभी भी रिकवरी के चांस है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जा सकता है, तो ये कहलाता है थ्रेटेंड
अबॉर्शन, और ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस रखना इम्पॉसिबल था तो उसको कहा जा रहा था इनएविटेबल अबॉर्शन। ये हो गया थ्री टेंट अबॉर्शन। अब दूसरा जो अबॉर्शन था वो था मिस्ड अबॉर्शन। क्या है? अबॉर्शन इन विच द फिटस हैज डाइड बट द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर रिटेन इन द यूट्रस फॉर 8 वीक और लॉन्गर कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या है, फिटस है वो डेड हो जाता है, लेकिन जो फिटस है वो यूट्रस में ही 8 वीक या इससे ज़्यादा सप्ताह तक बना रहता है, तो इसको मिस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। एनी अबॉर्शन विच इज एसोसिएट विद इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस और प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन कॉल्ड सेप्टिक। कोई भी टाइप का अबॉर्शन जिसमें यूट्रस या फिर जो कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट है उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको सेप्टिक अबॉर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे अपने सामने 11। When the fetus died and retained in the uterus called the fetus dead हो जाता है और uterus में बना रहता है तो इसको missed abortion कहते हैं। ऊपर ही भी अपने बात कर चुके हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। कंप्लीट अबॉर्शन क्या होता है? एन अबॉर्शन इन विच द टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन हैव बीन एक्सपेल्ड, यानी कॉन्सेप्शन के टोटल प्रोडक्ट अगर बाहर आ जाते हैं तो इसको कंप्लीट अबॉर्शन है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 12, और इसमें पूछा गया इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन प्रायर टू 22 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज नोन एज। इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन प्रायर टू 22 वीक्स, 22 वीक से पहले पहले यहाँ पे पूछा गया है कि जो कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट है वो इनवॉलेंट्री रूप से अगर लॉस हो जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहलाता है, थ्रेटेंड नहीं कहला जाता है। इनएविटेबल की बात कर चुके हैं, इनकम्प्लीट की बात कर लेंगे तो ये कहलाएगा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज 50% कॉज क्या होता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या फिर जर्म प्लस डिफेक्ट, ये भी याद रख लेना है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है? एन अबॉर्शन इन विच पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन हैज बीन रिटेन इन द यूटरस कॉल्ड इन कम्प्लीट अबॉर्शन, यानी कॉन्सेप्शन के कुछ प्रोडक्ट्स है वो यूटरस में रह जाते हैं तो इसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहा जाता है। जबकि जो पूरा का पूरा फिटस ही यानी प्रोडक्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो अगर यूटरस में बने रहे तो उसको कहा जाता है मिस्ड अबॉर्शन। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जाते हैं तो उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 13, विच शुड बी केयरफुली असेस्ड बाई द नर्स ड्यूरिंग गिविंग नर्सिंग केयर ऑफ मदर विद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की जो मदर है उसकी केयर की जा रही है तो उसके दौरान क्या केयरफुली असेस करना चाहिए? हेमरेज है वो केयरफुली असेस करना चाहिए। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है किसी लेडी का तो उसकी केयर करते हुए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 14, सेप्टिक अबॉर्शन वेयर द इन्फेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड द यूट्रस टू द पेरीमीट्रियम ट्यूब्स एंड ओवरी और पेल्विक पेरिटोनियम इज कंसिडर्ड, यानी सेप्टिक अबॉर्शन जिसमें जो इन्फेक्शन है वो यूटर से पेरीमीट्रियम में चला गया है, फेलोपियन ट्यूब्स में चला गया है, ओवरी में चला गया है या फिर पेल्विक पेरीमेट्रियम में भी चला गया है, तो ये किस टाइप का इन्फेक्शन जो सेप्टिक अबॉर्शन हो गया है? ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये दिया गया है ये हो गया है ग्रेड सेकंड का सेप्टिक अबॉर्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है? इन्फेक्शन लोकलाइज इन द यूट्रस, इन्फेक्शन है वो यूट्रस में ही बना रहता है। ग्रेड सेकंड में क्या होता है? इन्फेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड यूट्रस टू पेरीमीट्रियम ट्यूब्स ओवरी और पेल्विक पेरिटोनियम, जो कि ऑप्शंस में भी यहाँ पे पूछा गया था। एंड ग्रेड थर्ड में क्या होता है? जनरलाइज पेरिटोनाइटिस हो जाता है इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन एक्सेप्ट। नीचे दिए गए जो सभी सिम्टम्स हैं ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन के हैं किसी एक को छोड़कर। तो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइना है ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन का सिम्टम होता है। यूटेराइन साइज लेस देन पीरियड ऑफ एमनोरिया ये भी होता है।
क्लोज सर्वाइकल ओस है ये नहीं होता है, एक्सेप्ट लगा है तो ये नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। बाकी जो हिस्ट्री ऑफ पासेज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन के सिम्टम होते हैं, जबकि जो सर्वाइकल ओस है ये क्लोज नहीं होती है, ये ओपन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16, मैकडोनाल्ड एंड सिरोदकर सूचरिंग इज डन इन, मैकडोनाल्ड और सिरोदकर सूचरिंग है ये किस में की जाती है, रिकरेंट अबॉर्शन में ये की जाती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। सिरोदकर एंड मैकडोनाल्ड ऑपरेशन परफॉर्म एट 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इन रिकरेंट और हैबिचुअल अबॉर्शन कोज्ड बाय सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस की वजह से रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहा है तो जो सिरोदकर मैकडोनाल्ड सूचरिंग या ऑपरेशन है ये 14वें वीक जो प्रेगनेंसी का होता है उस पर किया जाता है, ये चीज़ याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इज, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इज, अगर यूटेराइन कैविटी के आउटसाइड में जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांट होता है तो इसको क्या कहा जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन विच द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज कॉमनेस्ट, यानी फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है, कॉमनेस्ट होती है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एम्पुला है वो कॉमनेस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का जिसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है, कॉमनेस्ट होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। 78% एम्पुला में होता है, 12% इस्थमस में होता है और 3% है वो इंटरस्टिशियल जो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एन एक्सपेक्टेड सिम्टम ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी वुड बी, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसका एक्सपेक्टेड सिम्टम कौन सा होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं होता है, सडन एक्सक्रिएटिंग पेन इन लोअर एब्डोमिनल ये है वो राइट हो जाता है, अगर रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो सडन एक्सक्रिएटिंग पेन होता है लोअर एब्डोमिन में। सिम्टम ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर एक्यूट एगोनाइजिंग एक्सक्रिएटिंग कोलिकी पेन इन लोअर एब्डोमिनल पेन, फीलिंग ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, सिंकोप अटैक एंड वेजाइनल ब्लीडिंग ये होते हैं सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स ये आज के 29 क्वेश्चंस ही लेते हैं, वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने पेज को लाइक और फॉलो जरूर करना है, साथ साथ वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन दबाएं ताकि नर्सिंग ट्रेंड के फ्यूचर वीडियो कभी मिस नहीं करोगे। जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे, थैंक यू फ्रेंड्स।